नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सहित देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दी बधाई। कई ट्रेनें हुई रद्द तो कई के बदले रूट। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जीता जागता उदाहरण बने इश्तियाक अहमद खान। 12वीं के विद्यार्थी कल से कर सकेंगे स्क्रूटनी के लिए आवेदन। भारतीय महिला टीम का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सहित देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने दी बधाई। आज बिहार पूरे 110 साल का हो गया, मतलब ये कि बिहार राज्य की स्थापना दिवस का आज 22 मार्च को 110 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर राज्य सरकार राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन करवा रही है। ऐसे में बिहार दिवस की स्थापना दिवस पर राज्य के मुख्यमंत्री, देश के गृहमंत्री सहित प्रधानमंत्री ने पूरे बिहारवासियों को बधाई दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि बिहार के सभी भाइयों और बहनों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध यह प्रदेश विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित करता रहे। वहीं सीएम नीतीश ने लिखा कि बिहार निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। एकता, भाईचारा, सामाजिक समरसता और सद्भाव के साथ हम सब मिलकर बिहार को प्रगति की ऊंचाइयों पर पहुंचाने और बिहार का गौरव बढ़ाने का संकल्प ले। बिहार दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। महिला हॉकी टीम राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए पटना से हुई रवाना। बिहार की महिला हॉकी टीम राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए पटना से रवाना हो गई है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय महिला जूनियर चैंपियनशिप 2022 के लिए मीनाक्षी कुमारी के नेतृत्व में 18 सदस्यीय टीम रवाना हुई। बिहार का पहला मैच 25 मार्च को मिजोरम से है, जबकि दूसरा मैच 27 मार्च को उत्तर प्रदेश की टीम से होगा। बिहार का अंतिम लीग मैच 29 मार्च को राजस्थान से होगा। बिहार की टीम मैनेजर सलमा खातून बनाई गई हैं, जबकि कोच की भूमिका में आशीष कुमार रवाना हुए हैं। कई ट्रेनें हुई रद्द तो कई के बदले रूट। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार में सोनपुर मंडल के हाजीपुर बछवारा लाइन पर दोहरीकरण का काम चल रहा है। इसको लेकर बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है, तो कई ट्रेनें रद्द भी हुई हैं। सभी तकनीकी कार्यों को अंतिम रूप देने के कारण 21 मार्च 2022 से 24 मार्च 2022 तक इस रेलखंड से गुजरने वाली मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। यात्रियों से ये दिक्कत न हो, इसके लिए पहले से ही लोगों को बताया जा रहा है। इसीलिए यात्रा पर निकलने से पहले यात्री ट्रेनों की जानकारी जरूर ले। दूध के बाद अब रसोई गैस ने भी आम लोगों को दिखाई आंख। जब रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी होती है तो कम या ज्यादा सबके बटुए पर प्रभाव जरूर पड़ता है। उसी में शामिल है दूध और रसोई गैस। पिछले कुछ महीने में एक नहीं बल्कि दो बार दूध के दाम बढ़े, जिसका प्रभाव आम जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। यही नहीं, अब तो रसोई गैस के दाम भी बढ़ चुके हैं। 6 महीने बाद एक बार फिर से रसोई गैस में 50 रूपये की बढ़ोतरी कर दी गई, जिसके बाद राजधानी पटना में अब एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत सीधे 1,048 रूपये हो गई है। मालूम हो कि 6 अक्टूबर से 14.2 किलो का रसोई गैस सिलेंडर पटना में 998 रूपये में बिक रहा था। नई दरें आज से प्रभावी होंगी। पटना एम्स के डॉक्टरों ने खोज निकाला कैंसर के इलाज की नई तकनीक। राजधानी पटना एम्स के डॉक्टरों ने कैंसर के इलाज की नई तकनीक खोज निकाली है। पटना एम्स का दावा है कि यह फेफड़े के गंभीर कैंसर का खतरनाक ऑपरेशन किया जाता है, जो कि आज तक देश के किसी भी सरकारी अस्पताल में नहीं किया गया। जिन दो मरीजों का इलाज किया गया है उनमें फेफड़े के कैंसर से वो ग्रसित थे। इनमें से एक 60 वर्ष की महिला जो सारण की रहने वाली है, दूसरा 25 वर्ष का युवक जो मोकामा का रहने वाला है। पटना एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वानशे ने इस बड़ी सफलता पर सर्जरी करने वाली पूरी टीम को बधाई दी है। साथ ही एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि इस नई चिकित्सा से बिहार के स्वास्थ्य विभाग में नई क्रांति आएगी। मनमानी करने वाले डॉक्टरों पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कोरोना काल में डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप साबित हुए हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, जिसकी वजह से ही ना जाने कितनों की जानें बची हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी डॉक्टर भी थे जिन्होंने इस महामारी को अवसर बनाकर इस्तेमाल किया। इस बीच कई डॉक्टरों की मनमानी पोस्टिंग के मामले सामने निकल करके आगे आए हैं, जिन पर बड़ा एक्शन लेते हुए सरकार ने ऐसे 10 डॉक्टरों की सूची जारी कर तत्काल प्रभाव से उनकी प्रतिनियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया है। ये डॉक्टर पटना के अलग अलग अस्पताल में तैनात है। मामला वित्तीय और अधिकारों के अनियमितता का था, जिन दो विधायकों ने विधानसभा में इसे उठाया था। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जीता जागता उदाहरण बने इश्तियाक अहमद खान। हिंदू और मुस्लिम समुदाय की दोस्ती और एक दूसरे के आस्था पर विश्वास और सम्मान का एक जीता जागता उदाहरण बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से निकलकर सामने आया है, जहां एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू मंदिर बनवाने के लिए 2.5 करोड़ से अधिक मूल्य की जमीन दान कर दी। जी हां, पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया में विश्व के सबसे ऊंचे विराट रामायण मंदिर के लिए गांव के जमींदार इश्तियाक अहमद खान ने विराट रामायण मंदिर के लिए पूरी आस्था के साथ जमीन दान में दी है। इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके पटना महावीर मंदिर न्यास के मालिक आचार्य किशोर कुणाल ने दी है। कुंवर सिंह के विजयोत्सव पर जुटेंगे
3 लाख लोग, देश के गृहमंत्री भी होंगे शामिल। बिहार के आरा जिले से ताल्लुक रखने वाले स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह को और उनकी वीरता को शायद ही कोई लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे। 80 साल की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जिस अदम्य साहस का उन्होंने परिचय दिया वो अतुलनीय है। वो एक अच्छे राजा, महान योद्धा और बेहतरीन इंसान भी थे। यही वजह है, आपको बताते चले कि 23 अप्रैल जगदीशपुर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर भव्य रूप से इसे मनाया जाएगा। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले हैं। साथ ही जनसभा में 3 लाख तक लोग भाग लेंगे और अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन होगा। लालू यादव की बिगड़ी तबीयत, रांची से दिल्ली होंगे शिफ्ट। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की तबीयत आज अचानक से बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल लालू प्रसाद यादव को किडनी संबंधी बीमारी से वो ग्रसित बताए जाते हैं। मालूम हो कि पिछले महीने 21 फरवरी को जब चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को 5 साल जेल की सजा सुनाई थी, तभी उन्हें जेल के बदले रिम्स में भेजा गया था। वो वहां के कैदी वार्ड में उपचाररत हैं, लेकिन उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उन्हें दिल्ली शिफ्ट किए जाने की बात भी कही जा रही है। 12वीं के विद्यार्थी कल से कर सकेंगे स्क्रूटनी के लिए आवेदन। बिहार बोर्ड ने रिकॉर्ड समय पर 12वीं के परीक्षा के परिणाम को जारी कर दिया। ऐसे में कई छात्र ऐसे हैं जो कि अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, जिन्हें लग रहा है कि उनकी कॉपी सही तरीके से चेक नहीं की गई है, तो ऐसे में उनके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्क्रूटनी कराने की सुविधा दे रहा है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया कल से यानी कि 23 मार्च से शुरू हो रही है। आपको बताते चले कि छात्र बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.gov.in पर जाकर 23 मार्च से 30 मार्च तक स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए छात्रों को प्रति विषय 70 रूपए का शुल्क चुकाना होगा। सीमांचल के एकमात्र नशा मुक्ति केंद्र में भी दवाइयों पर आफत। बिहार के सीमांचल में एकमात्र नशा मुक्ति केंद्र में भी मरीजों के लिए दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। शराबबंदी के बाद तो इनकी संख्या बढ़ना लाजमी है। ऐसे में राज्य में एकमात्र नशा मुक्ति केंद्र है उनमें भी दवाई उपलब्ध नहीं है, तो स्वास्थ्य विभाग घेरे में आती है। इस नशा मुक्ति केंद्र में इलाज तो सरकारी स्तर पर उपलब्ध है, लेकिन पिछले 2 साल से नशा मुक्ति के लिए दिए जाने वाले दवा सरकार की तरफ से बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में मरीजों को बाहर से ही दवाइयां खरीदनी पड़ती है, वो भी महंगी आती है। ऐसे में परिजनों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। गोपाल मंडल ने कहा, पुलिस प्राइवेट नंबर से करते हैं लेन देन का काम। शराबबंदी के बाद जहरीली शराब भी बिहार में एक मुद्दा बन गई है, जिस पर आए दिन जनता के साथ साथ विपक्ष हमलावर रहती है, लेकिन ये बयान सत्ता पक्ष की तरफ से ही आया है। हमेशा अपने कारनामों को लेकर विवाद में रहने वाले सत्ता पक्ष जदयू के गोपाल मंडल ने भागलपुर में जहरीली शराब से मौत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके लिए गोपाल मंडल ने पुलिस के बड़े अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि साहिबगंज के मामले में एसएसपी को फोन किया गया था, वो उठा नहीं रहे। ये मुझे मालूम नहीं है, करीब करीब थानेदार का सरकारी मोबाइल नाम का ही है, सरकारी मोबाइल ऑन नहीं रहता, यानी लेनदेन करते हैं। उन्होंने कहा है कि इसके लिखित आवेदन देकर सीएम से शिकायत करेंगे। गुजरात की तर्ज पर भी बिहार के स्कूलों में हो गीता का पठन पाठन। हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक गीता की विशेषताओं की वजह से हिंदू समुदाय के लोगों का मानना है कि इसकी शिक्षा स्कूलों में दी जानी चाहिए। इसके लिए इस पवित्र पुस्तक को विद्यार्थियों के सिलेबस में जोड़ना उचित है। ऐसे में गुजरात सरकार ने अहम कदम उठाते हुए इसे राज्य भर में कक्षा 6 से 12वीं के लिए स्कूल पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। ऐसे में इसकी मांग बिहार में भी जोर शोर से उठने लगी है। इस पर भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह का कहना है कि यह बिहार सहित पूरे देश के स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। वहीं विपक्षी पार्टी आरजेडी का कहना है कि गीता की पढ़ाई स्कूलों में होगी तो बाइबल और कुरान की क्यों नहीं। जैविक खेती के प्रति जागरूकता के लिए नेताओं ने कसली कमर। पूरे देश के साथ साथ किसान खेतों की उर्वरा बढ़ाने और फसलों की उपज बढ़ाने के लिए रासायनिक चीजों का प्रयोग करते हैं। ऐसे में उर्वरा शक्ति तो बढ़ती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब खेतों की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसे में ही सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, इसके लिए भाजपा के नेताओं ने कमर कस ली है। जैविक खेती के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए भाजपा किसान मोर्चा के नेता आगामी 17 अप्रैल से बिहार के बक्सर से पदयात्रा निकालेंगे। पदयात्रा की तैयारियों के लिए सोमवार को भाजपा किसान मोर्चा के नेताओं ने पटना में बैठक की। 17-18 अप्रैल को किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार शहर बिहार आएंगे और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन की शुरुआत करेंगे। भारतीय महिला टीम का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद अभी भी बरकरार। भारतीय टीम ने यास्तिका भाटिया के अर्धशतक के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत महिला वनडे वर्ल्ड कप के मुकाबले में बांग्लादेश को 110 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया है। हैमिल्टन में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 229 रन बनाए हैं। इसके बाद बांग्लादेश टीम 40.3 ओवर में 119 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम ने इस आईसीसी टूर्नामेंट में अपनी 3री जीत दर्ज की है, जिससे सेमीफाइनल में पहुंचने की उसकी उम्मीद अभी भी बरकरार है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गणेश,
राजेश चौहान, विनय कुमार, नुनू कुमार, शंकर मुखिया, महेश दास, कौशल कुमार, सचिव भूषण कुमार, विशाल कुमार, सत्य यादव, राकेश महतो। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या आपको भी लगता है कि धार्मिक पुस्तक गीता को स्कूलों में बच्चों के सिलेबस में जोड़ा जाना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।